हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे आरके टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। जो आज का टॉपिक रहेगा, आज हम जानेंगे हीट इंजन की डेफिनेशन और उसका थोड़ा वर्किंग प्रोसेस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे होता है, क्योंकि बीआरओ के जो आजकल एग्जाम चले हुए हैं उसके रिलेटेड जो बच्चे जो है मेरे को कमेंट कर रहे हैं, तो मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये कुछ जो है एक इसका हीट इंजन का स्ट्रक्चर बनाया है थोड़ा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो लंबी चली जाएगी। तो हीट इंजन एक ऐसी मशीन है जिसमें कुछ परमानेंट, टेम्परेरी और मूवेबल पार्ट्स लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें परमानेंट पार्ट्स लगे हुए हैं मशीन के अंदर, टेम्परेरी पार्ट्स लगे हुए हैं, मूवेबल पार्ट्स लगे हुए हैं। क्योंकि जब भी व्यूअर का वाइवा होता है तो उस बारे में एकदम बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे को पता नहीं लगता है। तो उसमें परमानेंट पार्ट्स कौन से होते हैं? परमानेंट पार्ट्स उसमें जैसे जो इंजन का बाहरी ये ब्लॉक होता है, जो इंजन ब्लॉक होता है, ये परमानेंट पार्ट्स, इंजन ब्लॉक, इंजन ब्लॉक हो गया, ठीक है, और सिलेंडर हेड, और उसके बाद वो जैसे ऑयल सम्प हो गया, ऑयल सम्प, तो ये हो गए परमानेंट पार्ट्स, ठीक है। और उसके बाद टेम्परेरी, या जो टेम्परे अपनी जगह के ऊपर जो मूव करते हैं पार्ट्स, जैसे ये पिस्टन, पिस्टन बाल्व, बाल्व एग्जॉस्ट, इनलेट बाल्व दोनों हो सकते हैं, मूव करते हैं। उसके बाद जैसे रिटर्न स्प्रिंग हो गया, और भी जो भी जो अपनी जगह, जैसे कनेक्टिंग रोड हो गया, ठीक है। तो अपनी जगह के ऊपर जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है, चलते हैं। और उसके बाद आ गया मूवेबल पार्ट्स, मूवेबल पार्ट्स हो गए जैसे बाल्बों को ऑपरेट जो शाफ्ट करती है ना, केम शाफ्ट, एक केम शाफ्ट हो गया, और उसके बाद यहां पे क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट। तो ये पार्ट्स जो है मूवेबल होते हैं, जैसे कि एम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, जो शाफ्ट अपने स्थान के ऊपर घूमती है। तो जो इसकी डेफिनेशन बनती है, क्योंकि डेफिनेशन बच्चे भी तब बोल रहे थे कि सर हमें नहीं पता लग रहा, मेरे को दो लड़कों ने फोन भी किया, तो मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने बोला कि वीडियो के जरिए बता देना, और बच्चे भी ऐसे हमारे जो फ्रेंड है वो पूछ रहे थे, नहीं पता लग रहा था। तो हीट इंजन एक ऐसी मशीन है जिसमें कुछ स्थायी, अस्थायी व मूवेबल पार्ट्स लगे हुए है, जो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो बदलते हैं उसको ही हीट इंजन बोलते हैं। अभी ये केमिकल एनर्जी बच्चे पूछते हैं, सर इसमें कौन सा केमिकल यूज होता है? तो इसमें जो हम फ्यूल यूज करते हैं, फ्यूल ईंधन हो गया, ठीक है, आम भाषा में तेल भी बोलते हैं, लेकिन तेल जो है ऑयल को बोला जाता है, जो लुब्रिकेशन होता है। लेकिन कुछ जैसे बोलते हैं पेट्रोल पंप से तेल डलवा लिया तो उसको फ्यूल बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं, तेल जो होता है वो ऑयल होता है जो लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है। तो जो इसमें केमिकल यूज होता है वो होता है फ्यूल, जैसे डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, जो भी होता है ये केमिकल हो। केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, कुछ बच्चों को पता है कुछ को नहीं पता है कि इंजन क्या चीज है, इंजन के जो इंजन का वर्किंग कैसे करता है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जब पिस्टन के अंदर चार मूवमेंट होती है, फोर स्ट्रोक इंजन भी होता है, टू स्ट्रोक भी होता है, मैं फोर स्ट्रोक का बता रहा हूँ और डीजल इंजन की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, पिस्टन की चार मूवमेंट में जो है हमें एक पावर स्ट्रोक की प्राप्ति होती है, जो चलता है ना इंजन, तो चार स्ट्रोक में जो है एक पावर स्ट्रोक, वो कैसे होती है, जैसे पिस्टन में ये पिस्टन जो है ऊपर से नीचे की ओर चलता है। जिन बच्चों को तो पता वो सही है, अगर जिन बच्चों को यही नहीं पता है कि जो इंजन है वो कैसे काम करता है उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे पिस्टन ऊपर से नीचे, ये मेरे पास एक जो है प्लंजर, मैंने जो जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, सिरिंज होती है, तो उसी के ऊपर जो है देखो इसमें क्या होता है, ये सिलेंडर है, इसके अंदर ये देखो जैसे हम इसको नीचे सक्शन करते हैं तो ऊपर से क्या दवाई इसके अंदर जो है भर जाती है, जैसे हम सक्शन करते हैं ना नीचे, हवा वैक्यूम के जरिए जो है निडल के अंदर जो है दवाई भर जाती है। सेम इंजन में भी ऐसे होता है, जब पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर चलता है ना, ऊपर से नीचे की ओर, तो जो ये वाला इनलेट वाल्व होता है, टाइमिंग, टाइमिंग इसमें बिल्कुल, जो टाइमिंग का रोल है बहुत ही ज्यादा है, अगर टाइमिंग में जो थोड़ी सी मिस्टेक है तो ये पूरा सिस्टम जो काम करना बंद कर देता है, ठीक है।
तो इसमें जैसे मैंने ये सक्शन की है ना, तो इनलेट वाल्व ये वाला वाल्व ओपन हो जाता है और इसके अंदर जो है शुद्ध हवा, जो डीजल इंजन की बात कर रहा हूं, शुद्ध हवा वातावरण में अवेलेबल बहुत ज्यादा है, वो भर जाती है। उसके बाद पिस्टन जो है दूसरे राउंड में क्या करता है, नीचे से ऊपर की ओर चलता है। ठीक है, तो ऊपर की ओर जब पिस्टन चलता है ना, तो जितनी हवा भरी हुई है इसको कंप्रेस करते हैं। जब इस हवा को कंप्रेस करते हैं तो हवा का टेम्परेचर डीजल इंजन में जो है ये 350 से 550 जो है सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो इतना तापमान होगा, अगर उसके ऊपर सोचो, अगर उसके ऊपर जो है जैसे कंप्रेस की इतना टेम्परेचर हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये जो इंजेक्टर लगी हुई है ना, ये इंजेक्टर जो है ऊपर से फ्यूल स्प्रे कर देती है। तो केमिकल डेफिनेशन में क्या बोला हमने, ऐसी मशीन जिसमें जो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी, अब इतना हीट है उसमें केमिकल स्प्रे होगा, ठीक है, तो एक आग लग जाती है। क्योंकि आग की डेफिनेशन भी बच्चों को पता होना चाहिए, आग किसे बोलते हैं। कई बार मैं क्वेश्चन करता हूं तो बच्चे बोलते हैं आग जो जल लग जाती है, जो कपड़ों को लग जाती है, जो लकड़ी को लग जाती है, उसको आग बोलते हैं। आग की जो डेफिनेशन है, आग जो है हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है उसको आग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमें हीट भी चाहिए होती है, फ्यूल भी चाहिए होता है और ऑक्सीजन, तीनों चीजें अगर में एक में कम है तो आग नहीं लगेगी। तो इसके अंदर जब सक्शन स्ट्रोक में हवा आती है तो ऑक्सीजन उसमें आ ही जाती है, उसके बाद हीट, ठीक है, हीट के बाद जब इसको फ्यूल लगाया जाता है, जो स्प्रे की जाती है उसके जरिए जो है इसमें आग लग जाती है। आग लगने से आपको, आप सोचो, कभी भी जो है जो बच्चे छोटे हैं वो मत करना, जो बड़े बच्चे हैं जिनको थोड़ा नॉलेज है, पेट्रोल लेना एक बोतल के अंदर, दो बूंदे डालना और कहीं दूर आग लगा देनी, उसके बीच में फिर फेंकना, फिर देखना एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। उसी ब्लास्ट को जो पावर है ना, वो ब्लास्ट हुआ उस पावर को जो है हम इस इंजन के अंदर जो है यूज करते हैं। जो इतना बड़ा ब्लास्ट होगा ना, ये जैसे पिस्टन सक्शन में नीचे कंप्रेशन में ऊपर आया, जब ऊपर से जो है यहाँ पे ब्लास्ट होगा ना, तो पिस्टन तेजी से नीचे की ओर आएगा, तेजी से नीचे की ओर, तो क्या होगा, वो जो ये इसमें फ्लाईव्हील लगा हुआ है, फ्लाईव्हील को रोटेट कर देगा। ठीक है, रोटेट कर देगा, उसके बाद जो है ये वाल्व जो है, आपको पता होना चाहिए कि सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुला और जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा, इसकी बर्किंग मैं बताऊंगा, बिल्कुल डीपली बताऊंगा आपको, ऐसे याद कराऊंगा आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो जो पिस्टन है, जब चार मूवमेंट होती है उनमें सिर्फ वाल्व दो टाइम ही खुलते हैं एक्चुअल, सॉरी थ्योरेटिकली, जो एक्चुअल में देखेंगे टाइमिंग के अनुसार देखेंगे तो जैसे हम बोल रहे हैं ना, सक्शन में खुलता है और जब कंप्रेशन होता है तो बंद हो जाता है, तो टाइमिंग के अनुसार कब बंद होता है ये अलग से वीडियो में होगा। तो जैसे ही पिस्टन सक्शन में आया, ये वाल्व खुला, कंप्रेस हुआ, ये वाल्व बंद, ये एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद, इनलेट वाल्व बंद, पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद। अब जला हुआ मिक्सचर है, इस तेजी से हमने जो एनर्जी बनी हमने स्टोर कर ली फ्लाईव्हील के ऊपर, और उसके बाद फिर पिस्टन ऊपर चला तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, इनलेट वाल्व जो है बंद होगा और जली हुई गैसें जो है वातावरण में दोबारा फिर से यहां से जो है चलिए कि पोर्ट कटे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं। हम अगर इंजन ब्लॉक को, सिलेंडर हेड को, वैन एक बार ध्यान से देखे ना तो हमें दिखाई देंगे, ऐसे बाहर से इंजन से पता नहीं लगता है क्योंकि ब्लाइंड होते हैं। तो इसमें जो इस टॉपिक में जो है डेफिनेशन की बात है और कुछ नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन इसकी जो है वो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो मशीन बदलती है उसको हीट इंजन बोलते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो मैंने बताया आपको समझ आ ही गया होगा, अगर फिर भी किसी को कोई शंक है या कोई मैंने कुछ मेरे से बताने में जो भूल हो गई या गलत मैंने बताया तो कमेंट में आप बता सकते हैं, ताकि नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ऐसी गलती दोबारा ना करूं। और अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट रहा है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, तो मेरे को, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है जो इसके पार्ट्स है एक वीडियो में बता दू, उसका लिंक भी दे रखा है और अपना नंबर भी मैंने दे रखा, मेरे से बात करके आप जो है इसके बारे में पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि बच्चे बीआरओ की जो तैयारी कर रहे हैं वो पूछते हैं कि सर एकदम से जो है सामने जब हम बाय वे में जाते हैं तो हमें पता नहीं लगता है, हम भूल जाते हैं एकदम, तो भूलना नहीं है, सिंपली बेसिकली बोलना आपने हीट इंजन एक ऐसी मशीन है जिसमें कुछ स्थायी मूवेबल पार्ट्स लगे होते हैं जो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं, उसी को जो है हम इंजन बोलते हैं।
तो इसी के ऊपर जो है इंजन जो आगे कैसे काम करता है, टेक्निकल टर्म कौन सी है, कौन सा पार्ट्स किस मटेरियल का बना हुआ, इसके ऊपर मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। लेकिन मैंने एक वीडियो डाल भी रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जिन्होंने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपको पहुंच सके, सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।